आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद एके के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आरती कड़वे आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने बालों को काले, लंबे और सुंदर बना सकते हैं। इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे बाल भी काले, लंबे और सुंदर है, देख सकते हो आप। तो इसीलिए हम आपको यह एडवाइस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने भी काले और लंबे बाल कर सकते हो नॉर्मल सी चीज़ें फॉलो करके। और यहाँ पर आंवले का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप आंवला, आंवले का जूस या आंवले की बड़ी प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू खाते हो तो इससे क्या होता है, विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है और हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक मिथ है कि हम जिस दिन अपने बाल धुलने वाले रहते हैं या जिस दिन हेयर वॉश करने वाले रहते हैं उसके एक दिन पहले गंदे डर्टी बाल में हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। तो हमें क्या करना है, जिस दिन हम बाल धुलते हैं उस दिन हमारे बालों में हमें तेल लगाना है ताकि जो छिद्र होते हैं वो खुले रहते हैं। तो हमें अच्छे से वहाँ पे बालों में तेल अप्लाई करना है। जब वहाँ पर डस्ट जमी हो, धूल जमी हो या डैंड्रफ हो तब हम लगाते हैं, तो जो लाभ बालों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आप याद रखें, बाल धुलने के बाद, हेयर वॉश के बाद आपको क्या करना है, ऑयल अप्लाई करना है, पहले नहीं करना है। तो जिस तरीके से हमने बताया कि आंवले का जूस, आंवले की बड़ी या जो भी आप आंवले के रूप में सप्लीमेंट ले उससे बहुत ज़्यादा फायदे हैं, आपके बाल बहुत सुंदर और अच्छे होंगे। इसके बाद बात करते हैं त्रिफला चूर्ण, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, तो आपको इसका पेस्ट बनाकर अपने बालों में लगा सकते हो जिससे डैंड्रफ और जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाती है। अच्छे से बालों में लगा के अच्छे से मसाज कीजिए, उसके बाद वॉश कीजिए या फिर जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो वो उसमें सल्फर फ्री होनी चाहिए तो वो यूज़ कीजिए। ओके, तो इससे भी आपके बाल अच्छे सुंदर घने होंगे। और इसके बाद अगर आप ये चूर्ण का चुकंदर के साथ मिलाकर अपने बालों में लगाते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप जो प्याज कद्दूकस करके उसका जो रस निकलता है उसको अपने बालों में लगाइए और 30 से 15 मिनट रहने दीजिए, उसके बाद आप वॉश कर लीजिए तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप अगर अपने बालों में दही लगाओ, एक आपको तांबे के बर्तन में दही रख लेना है, थोड़ी देर रहने देना है जब तक उसका थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक रहने देना है। उसके बाद अपने बालों में अच्छे से आप लगाइए और 15 से 20 मिनट रहने दीजिए, उसके बाद अपने हेयर वॉश कर लीजिए। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, शाइनी और सिल्की आपके बाल हो जाते हैं। और आप इस तरीके से सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, फिर उसके बाद आप इसका रिजल्ट हमें कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको इस जानकारी से कुछ फ़ायदा मिला हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इसी तरीके से हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के लिए। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।